बंद कर दो ये सोचना कि आप मेल का वे प्रोटीन लोगे या नॉर्मल वे प्रोटीन लोगे। तो को बाय बाय बोलने के साथ साथ हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है जो हमें बाय बाय बोलने पड़ेंगे। जैसे एक है कि मेलोडी थी चॉकलेटी क्यों है, अननोन। और एक क्वेश्चन, ये विमेंस वे प्रोटीन वाली चीज क्या है? क्योंकि आजकल मार्केटिंग में हम देखते हैं काफी, मतलब वे प्रोटीन के सप्लीमेंट्स में विमेंस वे प्रोटीन के नाम से एक नया सप्लीमेंट आके बिक रहा है मार्केट में। और मुझे काफी लोग इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि सर, मैं विमेंस वे प्रोटीन लू या नॉर्मल वे प्रोटीन लू। कोई कोई ट्रेनर ये भी बोल देते हैं कि सी, आप वुमेन हो तो आपको विमेंस वे प्रोटीन लेना चाहिए, आप वो नॉर्मल वे प्रोटीन लोगे तो आप बल्कि हो जाओगे, या फिर आप मेल वाले जैसे कुछ। आप क्यों इंसर्ट रैंडम ब्रो साइंस टफ देर। सो हम जानते हैं कि विमेंस वे प्रोटीन एक्चुअली है क्या। ये एक सिंपल चीज, अगर आपको वीडियो खत्म करना है यहाँ पे तो मैं सिंपल आपको बताऊं, मतलब प्रोटीन एक जेंडर स्पेसिफिक चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि चिकन मेल के लिए अलग होगा और एक फीमेल के लिए कोई अलग विमेंस चिकन करके आएगा, या विमेंस अंडा या विमेंस सोया चंक्स, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, प्रोटीन इज प्रोटीन, इट्स अ मैक्रोन्यूट्रिएंट जो हम सबको एज अ ह्यूमन, चाहे आप छोटे हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, इंसान हो, महिला हो, जो भी हो, हु एवर यू आर, यू कैन कंज्यूम प्रोटीन, क्योंकि वो एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, वो हमारे डाइट का एक हिस्सा होना चाहिए। जब आप प्रोटीन पाउडर की बात करते हो तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक वे प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन। वे प्रोटीन मतलब दूध से बनाया गया प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन मतलब प्लांट के कुछ पीस से या बीन से या ब्राउन राइस से आइसोलेट किया गया प्रोटीन। अब इसमें आप इसका सोर्स देखो क्या है, वे प्रोटीन का सोर्स क्या है? दूध। गाय जब दूध देती है तो ऐसे बोलती है कि नहीं, विमेन के लिए अलग दूध दूंगी, या फिर मैं नहीं, मैं मर्द के लिए अलग दूध दूंगी, ऐसा कुछ होता है क्या? या फिर राइस खाते हो, या पीस खाते हो, या चिक पीस खाते हो, या बीन्स खाते हो, जो भी खाते हो आप डाइट में, वो जब प्लांट उगता है तब वो सोचता है कि नहीं, ये मैं विमेन के लिए अलग तरीके से उगूंगी या उगूंगा, और मैं मेल के लिए अलग उगूंगा। तो फिर ये प्रोटीन वाला क्या बवाल है? वे प्रोटीन सब ले सकते हैं, विमेंस प्रोटीन भी मेल ले सकता है एक्चुअली देखा जाए तो। बट विमेंस प्रोटीन एक्चुअली करते क्या है लोग, जब हम एक्चुअली एक प्रोडक्ट देखते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं स्क्रीन पे, इसमें क्या होता है एसेंशियली कि विमेन प्रोटीन में मैंने जितना अभी तक देखा है मार्केट में प्रोडक्ट, प्रोटीन क्वांटिटी कम कर देते हैं और उसके साथ कुछ नए फिलर्स डाल देंगे, जैसे एडेड बायोटिन फॉर विमेन्स हेयर एंड स्किन। क्यों भैया, बायोटिन अलग से नहीं ले सकते? क्यों हम बी कॉम्प्लेक्स या दूसरी चीजें हम डाइट में अलग से नहीं ले सकते? आप बायोटिन अलग से सप्लीमेंट ले लो, आपको काफी सस्ता पड़ेगा, बट आप बायोटिन के लिए पैसा, प्रोटीन के पैसे में आप बायोटिन का पैसा जोड़ दो और आप प्रोटीन की क्वांटिटी भी कम कर दो। डज दैट मेक सेंस? मेरे लिए तो इट डजेंट। सो सिंपल, अगर आपको मैं एक बात बताऊं कि आपको विमेन, आप अगर एक महिला हो, यू डोंट हैव टू टेक अ विमेन्स वे प्रोटीन, आप एक नॉर्मल वे प्रोटीन जो सारे जेंडर के लिए बनाया है वो भी ले सकते हो, क्योंकि विमेन्स वे प्रोटीन जो विमेन्स वे प्रोटीन है वो भी सारे जेंडर्स के लोग ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि विमेन्स वे प्रोटीन सिर्फ विमेन को लेना चाहिए, और उसमें कम प्रोटीन है तो आप उससे अच्छा तो एक अच्छा प्रोटीन खरीदो जिसमें राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, एंड आप पैसा सिर्फ प्रोटीन के लिए दो ना, बाकी चीजें तो आप डाइट में ले सकते हो। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ मास गेनर्स के अगेंस्ट भी, मैं जब बोलता हूँ लोगों के लिए, तो मैं यही बोलता हूँ कि मास गेनर में आपको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट मिलता है जो आप डाइट में ऐसे भी ले सकते हो। लाइक हम सब सब्जी रोटी खाते हैं, हम सब दाल चावल खाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम घी डाल के बनाते हैं, तो उसमें कैसे भी फैट्स और कार्ब्स तो आ ही रहा है। हमारी डाइट में प्रॉब्लम कहाँ जाती है? प्रोटीन की। प्रोटीन के लिए आप सप्लीमेंट लो ना, आप कार्ब्स और फैट्स के लिए या विटामिन मिनरल्स के लिए सप्लीमेंट लेना भी चाहते हो तो आप मल्टी विटामिन ले लो। ओके, सो प्रोटीन के लिए सप्लीमेंट होगा वे प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन, उसमें विमेन है या मेन का कोई ताल्लुकात नहीं है कि आप विमेन वे प्रोटीन लो, आप फीमेल हो तो। और नॉर्मल वे प्रोटीन की अगर मैं बात करूँ, बल्कि आपको नहीं बनाएगा, प्लीज बंद कर दो ये सोचना कि आप मेल का वे प्रोटीन लोगे या नॉर्मल वे प्रोटीन लोगे तो एक औरत मेल जैसे दिखने लग जाएगी या बल्कि हो जाएगी। इट डिपेंड्स ऑन द डाइट, इट डिपेंड्स ऑन द वर्कआउट। जैसे आप बहुत हैवी लिफ्टिंग में हो और आप बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ हाई कैलोरी फूड्स खाते हो, तब जाके यस यू विल बल्क अप, बट फीमेल्स डोंट इवन हैव द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो मेल्स के पास होता है। और आप मुझे देख लो यार, मैं बल्क होना चाहता हूँ, एज अ मेल भी मैं ज्यादा बल्क नहीं हो पाऊंगा, तो फीमेल्स का तो दूर की बात है। मतलब अ फीमेल कैरीज हार्डली 8 or 10% ऑफ द टेस्टोस्टेरोन दैट अ मेल कैरीज। आई मे बी रॉन्ग विद द नंबर्स, बट गिविंग यू अ सिंपलिस्टिक कंपैरिजन की 10 गुना या 12 गुना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन एक मेल के पास होता है कंपेयर टू अ फीमेल, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नॉर्मली मेल्स भी इतना इजीली बल्कअप नहीं कर सकते, फीमेल्स तो बहुत दूर की बात। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि ऐसा नहीं है कि वे प्रोटीन से आप बल्क हो जाओगे, ऐसा नहीं है कि आप वे प्रोटीन से टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा आपका, या बहुत ज्यादा आप हार्मोनल इंबैलेंस हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ओके, सो रेगुलर वे प्रोटीन इज गुड फॉर एवरीवन, चाहे छोटे बच्चे को दे रहे हो या बड़े बुजुर्ग को दे रहे हो, या फिर एक महिला को दे रहे हो, या फिर मर्द को दे रहे हो, इट डज नॉट मैटर।
Anyway, this is the end of the video. I hope you liked this video. And if you did, you know what to do. Hit the like button. Share this video with your friends, family members, and your WhatsApp groups and your gym buddies. जिससे भी share कर सकते हो, कर दो. Because I would be very grateful अगर आप मेरे video को share करते हो तो. And अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया तो please subscribe कर दो इस channel पे. मैं काफ़ी videos ऐसे educational and informative videos बनाता रहता हूँ. मैं कुछ entertainment का तड़का भी देने की कोशिश करता हूँ. तो please बेल आइकन भी टैप कर देना, आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे जब भी मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ. एंड मेरा इंस्टाग्राम ये है, अगर आपको मेरे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम से आप वीडियो कंसल्टेशंस लेने हैं तो डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर नीचे आपको ईमेल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. जो मेरा ईमेल है velocityfit@gmail.com, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो. वहाँ पे भी मैं आपको असिस्ट कर देंगे, हमारी टीम भी जो असिस्ट कर देगी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स. सो एनीवे, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट कमिंग सून, एंड आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो.